फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर जारी किया है गाइडलाइन। सर किस रिगार्डिंग गाइडलाइन यहां पर जारी किया है? 11 मई 2022 की यह गाइडलाइन है जिसके अंदर अब आपकी कंपलसरी स्क्रूटनी होने वाली है। सर आपकी यहां पर केसेस जो आपका रिटर्न जो है वो कंपलसरी स्क्रूटनी के अंदर जाएगा। इन 7 केसेस में कौन से ऐसे 7 केसेस हैं जिसके अंदर डिपार्टमेंट यहां पर आपकी कंपलसरी स्क्रूटनी कर सकता है, तो आइए देखते हैं क्या है गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर। यहां पर आपकी कंप्लीट स्क्रूटनी की जाएगी यानी कंपलसरी सिलेक्शन किया जाएगा आपके इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर कंप्लीट स्क्रूटनी के लिए। तो यहां पर 7 केसेस बताए हैं, आइए समझते हैं कौन से 7 केसेस हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं केस पे। तो सबसे पहला केस है अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी यहां पर करी है सर्वे। सर आपके केस के अंदर पैरामीटर क्या होगा यहां पर वो देख लेंगे सबसे पहले, और उसके साथ साथ क्या प्रोसीजर यहां पर डिपार्टमेंट करने वाला है कंपलसरी सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहला केस क्या है, अगर यहां पर डिपार्टमेंट आपकी सर्वे करता है यानी आपके बिजनेस प्लेस प्रोफेशन या चैरिटी चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर यहां पर घुस के आपके बुक्स डॉक्यूमेंट केस स्टॉक या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग्स यहां पर प्रोसीडिंग के लिए यहां पर जो है सर्वे करता है, तो उस केस में आपको यहां पर जो है अब कंपलसरी स्क्रूटनी की जाएगी। सर तो यहां पर अगर आपकी रिटर्न जो है सर्वे के अंदर आ जाती है तो आपकी कंपलसरी स्क्रूटनी होगी, बट कुछ एक्सेप्शन यहां पर दिए गए हैं यानी कुछ एक्सक्लूजन यहां पर दिए गए। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है सीज नहीं किए जाते ड्यूरिंग द सर्वे के अंदर, या फिर आपने जो रिटर्न दिखाई है रिटर्न इनकम दिखाई है वो यहां पर जो है पिछले साल की रिटर्न इनकम से कम नहीं है, जितनी आपने डिक्लेयर करी है उसके पहले के साल से अगर कम नहीं है उससे ज्यादा है, तो उस केस में यहां पर डिपार्टमेंट जो है आपकी कंपलसरी स्क्रूटनी नहीं करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि स्क्रूटनी नहीं करेगा, मतलब यहां पर आपकी मैंडेटरी स्क्रूटनी के लिए केसेस नहीं जाएंगे। उसके अलावा जो सेकेंड ऑप्शन है जो डिक्लेरेशन जो आपने किया है डिस्क्लोजर आपने जो किया है अपने रिटर्न के अंदर वो यहां पर आप विड्रॉ नहीं कर रहे बाद में, तो उस केस में यहां पर जो है आपकी कंपलसरी स्क्रूटनी के लिए नहीं जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने रिटर्न जो फाइल किया है उसके अंदर आपकी अनडिस्क्लोज इनकम यहां पे डिस्क्लोजर हो जाती है एट द टाइम ऑफ सीज सर्वे के केस के अंदर, तो यानी अनडिस्क्लोज इनकम मतलब आपने कोई पैसा है डिपार्टमेंट को लग रहा है कि कोई मनी बिलियन ज्वेलरी या कोई अदर वैल्यूएबल आर्टिकल जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में होने चाहिए लेकिन वो नहीं मिले डिस्कवर हुए आफ्टर द सर्च के बाद यहां पे डिस्कवर हुए, तो उस केस सर्वे के बाद डिस्कवर हुए तो उस केस में आपकी यहां पर जो है कंपलसरी यहां पर स्क्रूटनी की जाएगी। अब यहां पर डिपार्टमेंट क्या प्रोसीजर अप्लाई करने वाला है वो देख लेते हैं। तो अगर आपके यहां पर सर्वे होती है तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो केसेस है जो सर्वे होते हैं उनको यहां पर कंपलसरी स्क्रूटनी के अंदर डाल देगा। अब यहां पर डिपार्टमेंट सबसे पहले प्रायर परमिशन किसके लेगा, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डेप्यूटी इनकम टैक्स ऑफिसर और यहां पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का यहां पर प्रायर अप्रूवल लेगा। और उसी के साथ साथ ये जो केसेस है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे सेंट्रल चार्जेस के अंदर विद इन 15 डेज जब से नोटिस आपको भेजी जाएगी 143(2) के अंदर। अब आपको बताते हैं 143(2) की क्या नोटिस होती है। सर ये वो नोटिस होती है जिसके अंदर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि यहां पर जो है आपकी मेजर फाइंडिंग या माइनर आपकी कोई डिस्क्रिप्शन से डिपार्टमेंट को मिली है, तो डिपार्टमेंट आपको यहां पर जो है नोटिस भेजता है। चाहे डिपार्टमेंट इस केस में भेज सकता है कि आपने अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम दिखाई है या फिर ओवर रिपोर्टिंग ऑफ लॉसेस दिखाए हैं, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है यानी आपके लिए एक सेकंड चांस है जिसके अंदर आप प्रूफ दे सकते हो या डिक्लेयर कर सकते हो अपनी सही से रिटर्न ताकि आप बच जाओ कंपलसरी स्क्रूटनी से। तो ये डिपार्टमेंट आपको ऑप्शन देता है उसके विदिन द 15 डेज के, फिर उसके 15 डेज के अंदर आपको यहां पर जो है कंपलसरी स्क्रूटनी की जाती है। सर नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट यहां पर जो केस है वो है यहां पर सर्च और सीजर। अगर आपका सर्च किया जाता है सीजर किया जाता है यानी असेसमेंट किया जाता है ड्यूरिंग द सर्च और सीजर 153(a) के अंदर आपका असेसमेंट किया जा रहा है सर्च सीजर के केस के अंदर, या फिर असेसमेंट किया जा रहा है अदर पर्सन का 153(c) के अंदर, तो उस केस में आपने अगर रिटर्न फाइल करी है असेसमेंट किया है तो आपका यहां पर केस सिलेक्ट हो सकता है कंपलसरी स्क्रूटनी के केस के अंदर। तो इसके लिए डिपार्टमेंट क्या करेगा, सबसे पहले अप्रूवल ले लेगा, वही अप्रूवल सेम जो पहले मैंने आपको बताया था, उसके बाद यह ट्रांसफर किया जाएगा केस सेंट्रल चार्जेस को, और विद इन 15 डेज के अंदर जब से आपको नोटिस भेजी जाएगी यहां पर जो है सेंट्रल चार्जेस को ये जो केसेस है सब भेजे जाएंगे। तो पहले नोटिस भेजेंगे फिर उसके 15 डेज के अंदर सेंट्रल चार्ज को केस भेजे जाएंगे फॉर डिटेल कंपलसरी स्क्रूटनी के लिए।
उसी के साथ साथ ये जो केस है, अगर आपने रिटर्न फाइल करी है तो उस केस में एओ जो है वो आपको नोटिस सर्विस किसके अंदर करेगा, 143(2) के अंदर करेगा। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो एओ यहां पर जो है आपको रिटर्न फाइल करने के लिए बोलेगा 142(1) के अंदर, एंड आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहां पर मंगाई जाएगी। सर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा और या फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो यहां पर देनी पड़ेगी। नेक्स्ट केसेस, थर्ड केस हम आपको बताते हैं सर। थर्ड केसेस है, नोटिस अगर आपको आती है 142(1) की, 142(1) के अंदर यहां पर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उस केस में डिपार्टमेंट जो है आपको रिटर्न फाइल करने के लिए बोल सकता है, एंड आपने अगर रिटर्न फाइल करी है या रिटर्न फाइल करते हैं नोटिस आने के बाद तो उस केस में आपसे यहां पर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करने के लिए बोलेगा, जैसे कि परचेज बुक, सेल बुक, प्रूफ ऑफ एनी डिडक्शन जो भी आपने अवेल्ड किया है। इन केसेस में अगर ये केस अगर आपके केस में होता है तो इस केस में आपकी कंपलसरी स्क्रूटनी हो सकती है सर। एसेसिंग ऑफिसर जो है यहां पर अपलोड करेगा फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो यहां पर एक्सेस कर सकते हैं, नेशनल फेसले असेसमेंट सेंटर, एंड यहां पर फिर डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स यहां पर फॉरवर्ड करेगी इसी चीज को यहां पर नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर पे फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन के लिए। अब यहां पर जो है नोटिस भी आपको भेजी जाएगी, आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर मांगी जाएगी थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के थ्रू। आ जाते हैं अपने चौथे केस में। अगर यहां पर आपको नोटिस भेजी गई है 148 के अंदर, यानी डिपार्टमेंट को लगता है आपने इनकम एस्केप करी है, तो उस केस में यहां पर जो है आपको कंपलसरी स्क्रूटनी के लिए आपका आ सकता है सर। तो उसके लिए यहां पर एक्शन क्या लिया जाएगा, अगर आपका केस है सर 148 के अंदर तो उस केस में आपका सर्च हुआ है, सीजर हुआ, कंडक्ट किया गया है 1 अप्रैल के बाद, तो यहां पर आपका केस जो है वो कंपलसरी स्क्रूटनी के लिए आएगा सर और अप्रूवल यहां पर लिया जाएगा। उसके बाद यहां पर जो है ट्रांसफर किसको किया जाएगा, सेंट्रल चार्ज को किया जाएगा विद इन 15 डेज के अंदर अंदर जब से आपको नोटिस भेजी गई है 143(2) के अंदर और 142(1) के अंदर, और आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो मंगाई जाएगी। बट अगर आपका केस अब वाला जो हमने अभी बताया है वो नहीं है तो उस केस में क्या होगा, यानी आपका सर्वे, सीजर या फिर सर्च नहीं हुआ है, तो उस केस में यहां पर एसिंग ऑफिसर जो है अपलोड करेगा डॉक्यूमेंट और नोटिस आपको भेजेगा 148 के अंदर, एंड यहां पर जो है नोटिस आपको दी जाएगी 143(2) और 142(1) के अंदर, आपको एक और चांस दिया जाएगा और आपसे इन्फॉर्मेशन एडिशनल मांगी जाएगी थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट के थ्रू यहां पर मांगी जाएगी सर। नेक्स्ट केस है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल ग्रांट नहीं किया जाता ट्रस्ट के लिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो उस केस में यहां पर आपका कैंसिल किया जाता है या विड्रॉ कर लेती है कंपेटेंट अथॉरिटी, तो आपको यहां पर जो एसएससी, फिर भी यहां पर मालूम पड़ता है कि एसएससी यहां पर टैक्स एग्जम्पशन या डिडक्शन ले रहा है अपने रिटर्न में, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कब अगर आपका ऑर्डर आ जाता है कि जो विड्रॉवल किया था वो वापस आपको रिवर्स कर दिया गया है आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन या अपलेंट प्रोसीडिंग के अंदर, तो यहां पर आपके लिए कंपलसरी स्क्रूटनी नहीं की जाएगी। लेकिन यहां पर अगर आपका विड्रॉ कर दिया जाता फिर भी आप यहां पर जो है डिडक्शन एग्जम्पशन लेते हैं, तो एसिंग ऑफिसर जो है लिस्ट प्रिपेयर करेगा इन केसेस के कि किन-किन केसेस में ऐसा हुआ है, एंड प्रायर अप्रूवल लेगा और जो भी लिस्ट है वो सबमिट किसको करेगा, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को करेगा, एंड आपको नोटिस भेजेगा 143(2) के अंदर थ्रू यहां पर नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के थ्रू आपको सेकेंड चांस दिया जाएगा। अगला केस है, अगर आपका एडिशन होता है अर्लियर असेसमेंट ईयर में आपका एडिशन हुआ है एंड वापस वैसी ही आप रिकरिंग जो है इशू बार बार कर रहे हैं हर साल, तो उस केस में लॉ और फैक्ट को देखते हुए आपका कंपलसरी असेसमेंट किया जाएगा सर। अगर आपका एडिशन हुआ है अर्लियर असेसमेंट ईयर के अंदर, रिकरिंग यानी इशू यानी सेम इशू पे आप बार बार यहां पर डिडक्शन ले रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कुछ भी चीज को जो यहां पर अलाउड नहीं है लॉ के अंदर, तो उस केस में आपका केस कंपलसरी स्क्रूटनी के अंदर जा सकता है। यहां पर ध्यान रखिएगा अगर 25 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो यहां पर 8 मेट्रो सिटी के अंदर यहां पर अलग दिया हुआ, उसके साथ साथ अगर एक्सीडिंग 10 लाख है तो किन अदर देन मेट्रो 8 सिटी के अंदर ये केसेस जो है कंपलसरी स्क्रूटनी के अंदर जाएंगे सर। नाउ एडिशन जो होगा वो फाइनल होना चाहिए एंड अपहेल्ड होना चाहिए अपलेट अथॉरिटी का। आइए प्रोसीजर बता देते हैं, तो एसेसिंग ऑफिसर यहां पर लिस्ट प्रिपेयर करेगा और जो पैरामीटर यहां पर दिए गए उसके साथ साथ यहां पर अप्रूवल लेगा प्रायर सभी कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर का, एंड यहां पर सबमिट करेगा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को, एंड फिर आपको नोटिस भेजी जाएगी थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर 143(2) की, यानी सेकंड चांस आपको दिया जाएगा, आप रिटर्न में डिस्क्लोज कर सकते हैं, प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट केस बता देते हैं, सेवंथ केस, जो यहां पर अगर आप टैक्स इवेजन करते हैं तो आपकी कंपलसरी स्क्रूटनी की जाएगी सर। अगर आप यहां पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जिसमें यहां पर डिपार्टमेंट को यह पता चलता है आप यहां पर जो है टैक्स इवेजन कर रहे हैं किसी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में, तो यहां पर आपकी जो है कंपलसरी स्क्रूटनी की जाएगी और आपने रिटर्न फर्निश किया है, तो आइए बताते हैं आपको क्या प्रोसीजर डिपार्टमेंट यहां पर करेगा। तो सेम यहां पर प्रायर अप्रूवल लेगा, लिस्ट प्रिपेयर करेगा, पैरामीटर जो भी दिए गए डिपार्टमेंट को लिस्ट प्रिपेयर करेगा, एंड यहां पर प्रायर अप्रूवल होगा। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर यहां पर अपलोड करेगा अंडरलाइनिंग जो भी डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग टैक्स इवेजन जो भी आपने किया है यहां पर। उसके बाद यहां पर जो है
इन्फॉर्मेशन जो भी आपने की है वो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, एंड जो लिस्ट भेजी गई है, सबमिट करी गई है, वो यहाँ पर ट्रांसमिट की जाएगी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर विद कॉपी मार्क बाय DCIT, एंड आपको नोटिस भेजी जाएगी, सेकंड चांस दिया जाएगा सर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपको कंपलसरी स्क्रूटनी के लिए इन 7 केसेस में अगर आप आते हैं तो आपकी कंपलसरी स्क्रूटनी की जाएगी सर, यानी आपका कंपलसरी स्क्रूटनी डिपार्टमेंट करेगा थ्रू फेसलेस असेसमेंट के थ्रू सर। तो ये गाइडलाइंस यहाँ पर जारी करी गई है 11 मई 2022 को, तो ध्यान रखिएगा ये गाइडलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप पे डिपार्टमेंट की नजर और आपका असेसमेंट हो सकता है। तो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके ज्यादा शेयर जरूर करके, धन्यवाद।